हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एक्सनोदन फाउंडेशन। ओके ओके, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Due to net connectivity, we are late, but we will manage all our classes. Need not to worry. Okay, okay, okay. No problem. मैं 15 plus year से offline teaching कर रहा हूँ और 5 plus year से online teaching कर रहा हूँ और 25,000 plus student को teach कर चुका हूँ और अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको आईडियंस और एनआईटीज वगैरह में सेलेक्ट कराने की कोशिश करूँगा। रूल्स अपने ऑलरेडी जानते हैं और अगर किसी को पहले से ही कोई डाउट्स वगैरह है तो वो इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ओके इस नंबर पे आप सेंड कर देंगे 760-700-7012। ओके, ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी वी आर लेट बट वी विल मैनेज अवर क्लास। ओके, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स की अगर अपने बात करें विदाउट एनी टाइम लॉस और एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वी विल मैनेज अवर क्लास। आज अपने स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर कितना, 4। ओके, ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी वी आर लेट बट नीड नॉट टू वरी। ओके, सबसे पहली चीज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अपनों ने एक मेथड के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था लास्ट क्लास में और आज अपने उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेथड ऑफ लॉग कब जरूरत पड़ती है सबको बताया था, मैं थोड़ा सा एक बार और हिंट देता हूं। वाई इजकल टू एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, प्रोडक्ट में फंक्शन है, किसी फंक्शन की पावर भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकता है, तो ऐसी जगह हम क्या ले लेते हैं, लॉग। लॉग मेथड कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, ये समझने की जरूरत है कि ये लॉग लेने के बाद पुराने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या चेन रूल में ही कन्वर्ट हो जाता है। बस लॉग लेके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ लॉगरिथम और बनाते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके सब शुरू हो जाओ विदाउट समय लॉस किए बगैर। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एफ एक्स इजकल टू पाई आर वन से एन साइन आर एक्स, देन एफ डैश एक्स का क्या वैल्यू होगा। गुड गुड, सबकी तरफ से मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सबने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब बोल दिया है, पर मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग। और पहले प्रॉब्लम से अपने शुरू करते हैं, समय को थोड़ा सा अपने 10 मिनट को मैनेज करेंगे इजी वे में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, नीड नॉट टू वरी। ट्राई फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ एफ एक्स इजकल टू पाई आर इजकल टू वन से एन साइन आर एक्स, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा। ट्राई अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या आप इस पाई के बारे में जानते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई। What is the meaning of pi? Good morning, good morning. Try first problem. fx is equal to r is equal to 1 to n sin rx, then f dash x equal to question mark.
क्या इस पाई का सिंबल का मतलब आपको पता है? नो सर। ओके, ये जैसे सिग्मा की अगर अपने बात करते हैं तो सिग्मा किसके लिए लिया जाता है? सिग्मा लिया जाता है सम के लिए। वैसे ही ये जो सिंबल है ये लिया जाता है प्रोडक्ट के लिए। मतलब इसका मतलब है बोलने के लिए, बस बोलने की बात है और कुछ भी नहीं। यानी इस नंबर का मतलब आप ऐसे सोचेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू पाई आर फ्रॉम वन टू कितना एन साइन आर एक्स, यही क्वेश्चन है। या तो हम ऐसे ही रहने दें या वन टू थ्री लिख के मल्टीप्लाई कर लें। वन टू थ्री यानी ये प्रोडक्ट का सिंबल है सीरीज सीक्वेंस सीरीज के लिए। साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स अप टू साइन एन एक्स। अब सबको पता है जैसे प्रोडक्ट में दिखा हमें क्या लेना है, लॉग। प्रोडक्ट रूल से भी होगा पर ज्यादा समय लगेगा या एक लाइन में आता है। ओके, तो एफ एक्स का मतलब है आर इजकल टू वन से एन साइन आर एक्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू वन से एन लिख के मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, लॉग। लॉग लेके ट्राई करो, देखो सबका बनने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास वाला क्वेश्चन। कुछ अलग सिखाता हूं आपको जो कंपटीशन में लोगों को पसंद है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लॉग लेना होगा सबको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बनेगा भी। लॉग लेंगे तो ln एफ एक्स इजकल टू क्या होगा, देखो आपने क्या किया, ln sin x, ln sin 2x, ln sin 3x, कुछ इस तरीके से लिखा। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ये लाइनें इतनी बार नहीं लिखना चाहोगे। ln sin x, ln sin 2x, डैश 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 ln sin nx, इतना बार लिखें। इससे अच्छा है इस बात को ध्यान रखना है कि लॉग लेते ही पाई का क्या बन जाएगा, सिग्मा। सिग्मा क्यों बना, ये देखो प्लस में है तो प्लस का मतलब सिग्मा ln sin rx, ये आ गया। r की वैल्यू 1 से कितनी n, r की जगह 1 से n लिखो, ln sin x प्लस ln sin 2x प्लस ln sin nx। ओके, ये आ गया। अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो देखो पाई का क्या मतलब है, पाई का सिंबल आ जाए तो ये बहुत सारे जनरल टर्म्स को सिंपल तरीके से लिखने का टेक्निक है। और क्या करेंगे, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, आर की जगह वन से एन लिखेंगे, ln sin x sin 2x sin 3x ln sin nx प्लस के साथ। यानी पाई का मतलब है sin x sin 2x sin 3x। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो या तो प्लस में ऐसे लिखते एन बार, पेपर में समय लगेगा, समय लगेगा तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, ln sin rx लिख देंगे। तो पाई का सिग्मा बन जाएगा, फंक्शन के आगे क्या लग जाएगी, लॉग। और क्यों लगा उसका लॉजिक है ये। ओके ओके, गुड गुड गुड। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करते ही देखो आंसर आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं ln fx का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स और fx का होगा f डैश x इज इक्वल टू सिग्मा एज इट इज, सिग्मा में r वैल्यू r से n, ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन, साइन का कितना cos, यानी ये आ गया cot, rx का कितना होगा r, आंसर आ गया। सिग्मा में क्या है, ln, ln का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन, साइन का cos, तो cot आ गया, rx का कितना r। ओके, क्या सबका आ गया है, क्या ये सबका आ गया है, तो यस सर लिख दें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, तीन बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरी बात को ध्यान से सुना करो पूरी बात, क्योंकि बहुत इजी है। क्या हुआ, क्या नहीं आया, देखो ध्यान से, ln fx है, log लेंगे
तो सब प्लस में आ जाएंगे, ln sin x प्लस ln sin 2x प्लस ln sin 3x, ओके, ln sin x, ln sin 2x, ln sin 3x, और प्लस में आएंगे तो सिग्मा में लिख सकते हैं, प्लस का मतलब होता है सम, और अगर वो सीरीज में हो तो ln sin rx। अब log fx का डेरिवेटिव 1 by fx, fx का f dash x, ओके, और सिग्मा r cot rx कैसे आया, log का होता है 1 by sin, sin का होगा cos, rx का होगा r। अब क्या करेंगे, fx को उधर लिख देंगे और fx की वैल्यू ये दोबारा पुट करनी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आप फिर एक बार ट्राई करके देखो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा देख देख के, क्वेश्चन कठिन नहीं है, नए तरीके का क्वेश्चन, लॉग में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ओके, थोड़ा सीखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हम कॉम्पिटिटिव बात कर रहे हैं, न कि केवल बोर्ड टाइप। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, आंसर आपको देना है 2 लिख के, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डैश 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 एक्स प्लस एन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लिया गया, देन देन फाइंड एफ डैश जीरो, फाइंड एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। देखिए कितनी समझदारी से आप बताते हैं, बिल्कुल आसान है, ट्राई करने से सीखेंगे, बार बार समझ लेने से ऐसा कुछ नहीं है। लॉग लिया, प्लस में आ गए, डिफरेंशिएट, और जिसको नहीं आ रहा है तब तो फिर क्या है, अलग अलग लॉग लेके, लॉग साइन एक्स का अलग कर लो, साइन टू एक्स का अलग। मजा तब आएगा जब आप कुछ नया सीखेंगे, जो चीजें सब जानते हैं उससे अलग हटके थोड़ा जानो। तो लॉग लेना सबको आता है, देखे कितनी समझदारी से आप कितने कम समय में ज्यादा गेम खेलते हैं। आंसर लिख नहीं पाएंगे इसलिए आंसर में क्या है, आप डन लिख देना और मैच कराएंगे तो यस सर हो जाएगा, ओके। देखें ट्राई करो, जैसे मर्जी हो अलग अलग लोग लो, कोई और तरीका लगाओ, आंसर आना चाहिए, टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी है, सबसे बनेगा। कोशिश करते रहो, कुछ नया कुछ सीख जाओगे, बहुत ही इजीली सीख जाओगे, मुझे पक्का विश्वास है आप पे, बेहतरीन आप करने जा रहे हो और बेहतरीन कर रहे हो। अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिखा हो तो देखो दो तरीके हैं, या तो यही लॉग ले लें और सबको प्लस में लिख दें, दूसरा तरीका है मैंने आपको क्या सिखाया है, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस आर, आर का वैल्यू वन से कितना एन, आर का वैल्यू वन से कितना एन, ओके। और दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो बात करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, ये लॉग लेंगे तो पाई का बनेगा सिग्मा, आर इजकल टू वन से एन, फंक्शन के आगे क्या लग गया, लॉग एक्स प्लस आर, जब डिफरेंशिएट करेंगे तब जीरो रख देंगे। एल एन एफ एक्स का नेक्स्ट लाइन में, गुड गुड गुड, सबका सही आ रहा है, वन अपॉन एफ एक्स, ये चाहो तो आप यहां पे भी लॉग प्लस में लिख के कर सकते थे, बात वही है, पर नया सीख रहे हो तो नए का भी यूज करो, एफ डस एक्स सिग्मा आर वन से कितना एन, एल एन एक्स प्लस आर, तो ये है वन अपॉन एक्स प्लस आर। अब हमें क्या पुट करना है, जीरो, क्या पुट करना है, जीरो, तो एफ डैश जीरो अपॉन एफ जीरो, एफ जीरो को मैं उधर ले जाता हूं तो एफ डैश जीरो का वैल्यू आ रहा है एफ जीरो इंटू सिग्मा वन अपॉन कितना आर, आर वन से एन, अंडरस्टूड, एक्स को जीरो रख दिया, एफ जीरो कितना है, देखो एक्स को जीरो रखोगे इस एक्सप्रेशन में तो ये वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू एन, एफ जीरो आपका है फैक्टोरियल एन, एफ जीरो आपका क्या है, एन फैक्टोरियल, और सिग्मा वन बाई आर मतलब क्या है, वन बाई वन, वन बाई टू, वन बाई एन, बस आ गया आंसर, चेक करो, देखो कठिन क्वेश्चन नहीं होता, सोच बदलने की जरूरत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, वो
यहाँ पर तो वुमेन परफेक्ट, तो ध्यान से देखेंगे तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स लिखा, एफ में जीरो रखा, वैल्यू आ गई, आ गया होगा सबका। तो यहां पर सिग्मा वन अपॉन एक्स प्लस एन, सबका सही आ रहा है मुझे लगता है, सबने ट्राई किया है बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखें कितने लोग सीखे, अगर अगला क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ये बेस्ट है। तो मैं देख रहा हूं सबने कर लिया है, वेरी गुड। जिनसे नहीं आ रहा है फिर ट्राई करना है इन्हीं क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बहुत ही हल्के क्वेश्चन या बहुत ही नर्सरी वाले कराता रहूं तो ये 3-4 महीने तो ये डिफरेंशिएशन ही चलता रहे, पर अपने उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, याद रखो जो पेपर में एग्जैक्टली आएगा उसी पर अपने बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ट्राई करते हैं, सबको आ भी गया है, बहुत ही आराम से बात कर रहे हैं। एफ एक्स इजकल टू, थोड़ा हो सकता है किसी को कम दिखाई दे और दिख भी रहा होगा वैसे, पाई एन वन से कितना 100 एक्स माइनस एन पावर में है भाई एन इंटू 101 माइनस एन 101 माइनस एन, तो एफ डैश 101 अपॉन एफ 101 में क्या होगा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखें कितने लोगों ने ये रूल बहुत ही कूल टाइप डील किया है, मजा तभी आएगा जब कूल टाइप गेम होने वाला होगा, ठीक है। ये चीज वही काम करना है, देखो यहां मेरा रूल काम करेगा, अलग अलग करने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए कितने लोग, मजा आएगा, देखें कितने लोग कुछ नया सीख पाते हैं, आराम से बनाओ। फाइनली एफ डैश 101 अपॉन एफ 101 आपको चाहिए, टेक योर टाइम टेक योर टाइम, वेरी इजी प्रॉब्लम, सबका साथ सबका विकास वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मोदी जी। वेटिंग फॉर योर आंसर, इन डिजिट में आएगा इसलिए आंसर्स भी देना जरूरी है कि क्या आंसर आपका आया, यस नो से काम चलेगा नहीं। ओके कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं बट मैं समझ सकता हूं कि उनको पता लग गया होगा नेक्स्ट मेथड आने वाला है, टाइम की वैल्यू समझे। मैं बार बार कहता हूं टाइम इज मनी, और जो टाइम के साथ चल गया, सोचो सारी गर्ल्स अगर आईआईटीज वगैरह में है तो कितना मजा है, आना चाहिए, बहुत टफ नहीं। पाई का क्या बनेगा, सिग्मा एन की वैल्यू वन से कितनी 100 पावर जाएगा पीछे, रूल बताया था इसका, अगर हम लॉग लेते तो पावर पीछे आती एल एन एक्स माइनस एन, क्लियर है सबको। अब दोनों तरफ हम करेंगे डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव सिग्मा एज इट इज, ये कांस्टेंट है एज इट इज, बिल्कुल इजी है, जो कूल डीलिंग कर रहे हैं उनका बिल्कुल आसान आएगा। कांस्टेंट एट इज लॉग का करेंगे, कांस्टेंट सेम टू सेम लॉग का करेंगे, वन अपॉन एक्स माइनस एन। अब x की जगह में कितना पुट करना है, 101 तो मैं यही लिख देता हूं, f डैश 101 बाई 101, तो इधर भी मैं x की जगह 101 रख दूं, तो सिग्मा n 101 माइनस n 101 माइनस n, ये दोनों कैंसल, आंसर आ गया सिग्मा n। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए 11th क्लास का, n n प्लस 1 बाई 2,
एन का वैल्यू अपने पास कितना है, 100 इंटू 101 बाय 2, आंसर है 5050। चेक करो, लॉग लेंगे पाई का सिग्मा बन गया, ये पावर पीछे आ गई इसका लॉग। अब इसका डेरिवेटिव 1 by fx का f dash x, ये कांस्टेंट है एज इट इज, लॉग का 1 by this, x की जगह कितना पुट करना है आपको, 101 लिखते ही 101 माइनस n इससे कैंसिल हो गया, सिग्मा n आ गया, फॉर्मूला 5050। एफ डैश 101 अपॉन एफ 101 ही पूछा ही है, 5050। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ मजा आया सबको, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन तो सब बनाते हैं, हम वो बनाएंगे जो किसी को नहीं आएगा, पर तुम्हें सीखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं, पेपर का पैटर्न इंटीजर टाइप क्वेश्चन। चैप्टर याद रखो, हमें मैथ्स में केवल चैप्टर नहीं पढ़ना, उसका कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन भी आना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं था, ध्यान दो एक ही पैटर्न के 3 क्वेश्चन लगाए। n इक्वल टू 1 से कितना, 100, n इक्वल टू 1 से कितना, 100, तो n का वैल्यू अगर 1 से 100 है तो सिग्मा n का फॉर्मूला होता है nn प्लस 1 बाई 2, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इजी था, कूल टाइप, देखो इसे बोलते हैं कंफर्टेबल डीलिंग करना, और कुछ लोग इसमें घबरा जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग इसमें पहुंच जाते हैं आईटीज में, कुछ लोग पहुंच जाते हैं गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मेथड आपको और सिखाता हूं जो आपकी बोर्ड की बुक में है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत हल्के लेवल पे होते हैं, जिसको केयर नहीं किया जाता, ये हल्के में ले लेते हैं कि भाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, इस बार और कंफर्टनेस क्या है, ध्यान से देखेंगे। बेस बी वेरिएबल, पावर बी वेरिएबल, अब हमारी मजबूरी है कि हमें लेना पड़ेगा लॉग। फिर बता दूं कि लॉग सिर्फ एक मेथड है, इससे डिफरेंशिएट करने के लिए पुराने चेन रूल या एडिशन सब्ट्रैक्शन ही काम आते हैं, ओके। तो बेस बी वेरिएबल, पावर बी वेरिएबल, क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ln y इजकल टू gx ln fx लाइक दिस। अब log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y की डेरिवेटिव y डैश, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। फिर बता दूं ये फॉर्मूला नहीं है, कई लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखने लग जाते हैं, रूल की तरह समझना है कि अगले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से फॉलो अप होने हैं। तो g का डेरिवेटिव g डैश, प्रोडक्ट रूल में एक एज इट इज, इस बार क्या होगा g एज इट इज, ln fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx, और fx का होगा f डैश एक्स, ये आ गया। फाइनली इसको उधर मल्टीप्लाई, और y की जगह हम पुट कर देंगे fx की पावर gx। तो ये है अपना रूल। अब इसे फॉर्मूला नहीं रटना, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, कोर्स में बहुत चैप्टर है, तो इसे रूल की तरह फॉलो करेंगे, 3 लाइन में सॉल्व करेंगे। यस यस यस, आया सबका। लॉग लेंगे पावर पीछे ln fx, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लॉग y का 1 बाई वाई, वाई का y डैश। क्या ये कंफर्टेबल है सबको, सबको आ गया होगा मुझे लगता है, बहुत ही सिंपल मेथड, बोर्ड में जनरली यही मेथड को स्टार्टिंग से लिया जाता है, ओके। अभी क्वेश्चन सबको मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। g डैश x ln fx, फिर ln fx का 1 बाई fx, fx का f डैश x, ओके। तो ये था फॉर्मूला, जिसको सबको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए क्लास में, या फिर क्या करे वो क्वेश्चन को नोट करते रहो। पर अभी मैं कहूंगा जब मैं बता रहा हूं तो नोट करने की बजाय समझना है, ओके।
शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर वन, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर पावर में देखे, आप भी जानते हो एक्स से छोटा क्या पूछूंगा. ओके गुड गुड, सब सही जा रहे हो. ये सारे इंटेलिजेंट गर्ल तो यही है, बाकी इंडिया वाले तो फेल होने वाले हैं, सिर्फ यही सेलेक्ट होंगे. लॉग लो, हल्का फुल्का नोट कर लें और रफ कॉपी, और एक नोट्स बनाने के लिए एक समय निकालना होगा कभी ना कभी आपको, ठीक है. तो ये हो जाएगा y is equal to x power x. लॉग लेना है, सिंप्लीफाई रूल समझने के लिए सिंपलेस्ट क्वेश्चन आंसर आना चाहिए सबका. y is equal to x power x. आज तो सब गर्ल्स लग रहा है बादाम खा के आए हैं और कोई बात ऐसी उनको कंफ्यूज कर ही नहीं पा रही है. बढ़िया बात, यही तो मजे की बात है. बढ़िया, अच्छे बादाम खाए आपने. इसका डेरिवेटिव करना है, बहुत ही आसान है, सब बनाए डी वाई अपॉन डी एक्स. आ गया होगा सबका, देखते हैं. लॉग लेंगे तो एलन वाई एक्स एलन एक्स एज इट इज. लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स. एक्स का वन हो जाएगा, फिर एक्स इंटू एलन एक्स का वन बाई एक्स. फाइनली y डैश यानी dy वाई बाई डी एक्स आ गया. y को उधर ले जाएंगे, पुट कर देंगे x की पावर x. इसको पहले लिख देता हूं 1 प्लस एल एन एक्स. मुझे लगता सबका आ गया है, ये इतना कॉमन है कि आपको याद तक होना चाहिए, कोई और शॉर्टकट नहीं है. तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस एल एन एक्स, या फिर x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स. सिंपल क्वेश्चन, पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसका डेरिवेटिव केवल क्वेश्चन की तरह नहीं देखें, याद रखें, क्योंकि बार बार ये आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, इसीलिए. ओके, y इंटू वन प्लस एल एन एक्स, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वैल्यू आ जाएगी. तो ये सबका मैं देख रहा हूं आ गया है, सबने ट्राई किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर टू. धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, जब आपको सब आने लग जाएगा मजा तभी आएगा. y is equal to sin x की पावर 10x, then find dy by dx. बिल्कुल रूल समझने के लिए क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की आवश्यकता नहीं, ठीक है, वेरी इजी. गुड गुड गुड, इसको फिर ट्राई करो. जिसको नहीं आया मैं इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, इस बहाने समय भी अपना बचेगा और रूल भी अपने को आएगा, एग्जाम्पल भी नया हो जाएगा. बहुत इजी था, थोड़ा सा आ जाना चाहिए था. ये y is equal to sin x का पावर 10x, वेरी इजी. और दोनों तरफ लेना है क्या, log. मैंने इसीलिए कि क्वेश्चन दोबारा पूछे, तो बाकी जिनों का हो गया है वो लोग फिर ट्राई कर सकता है कि नया क्वेश्चन भी हो गया और बाकी को कॉन्सेप्ट भी पकड़ में आया, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है थोड़ा सा भी. पावर पीछे लाएंगे, इसका लॉग ले लेंगे, बहुत इजीली बढ़िया प्रैक्टिस होने वाली है, ट्राई करें, सबको आएगा. बिल्कुल कूल टाइप, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, फॉर्मूले याद रखते हुए, रूल को पकड़ते हुए सारे बनाएंगे, बहुत इजी है. सबसे बनेगा बहुत ही कूल टाइप बनने वाला है. ओके ओके, एल एन वाई का आ गया 1 अपॉन वाई, वाई का होता है वाई डैश, वाई का वाई डैश.
फिर टेन एक्स का होता है सिकेंट स्क्वेयर, प्रोडक्ट रूल में एक एज इट इज रहेगा, तो एल एन साइन एक्स को हम एज इट इज रखते हैं, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वेयर प्लस टेन एक्स आपका एज इट इज, फिर आएगा एलन साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का कितना कॉस, तो आप देख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है सबको पता है 1। चेक करो कितना सिंपल है। अब इसमें दोबारा ऐसा क्या बताएं कि दोबारा हो जाए, तो मेरे को नहीं फील आ रहा। वाई डैश की वैल्यू वाई लिख देता हूं, वाई की वैल्यू पुट कर देना, सेकेंड स्क्वायर एक्स एल एन साइन एक्स वेरी इजी प्लस 1, ये नंबर क्या हो गया आपका 1। अब मुझे लगता है सबका आने लग गया है, गुड 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 गुड, कुछ तो बहुत तेज चल रहे हैं, मुझसे भी तेज निकल गए भाई, लगता है पहले से ही आईआईटी में है, मैं तो सेलेक्ट हुआ ही था, पर लगता है सबसे बनेगा, जरूर बनेगा, हम क्वेश्चन करवा ही इसलिए रहे हैं कि सबसे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सही दिखाई दे, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 10 पाई एक्स बाई 4 पावर में 4 अपॉन पाई एक्स, तो y डैश की वैल्यू 1 पर चाहिए। इस बार डिजिट में आंसर या नंबर्स में आएगा, मैं देख रहा हूं लमसम गर्ल ने सबने बढ़िया बनाया है, वेरी गुड वेरी गुड, यही होना चाहिए था। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 पाई एक्स बाई 4 पावर में 4 अपॉन पाई एक्स, गुड गुड गुड, लॉग ले लेंगे। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कैसे आ जाता है सबके लास्ट में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो उतना ही है, सबको करना है, यही कंपटीशन का रूल है। कंपटीशन आप जब घर पे स्टडीज करते हो या बोर्ड टाइप पढ़ते हो वहां पे आपके कॉम्पिटिशन्स की जो आप में होना चाहिए भावना जिसे बोलते हैं इंटरनल, है ना, वो नहीं होती, यहां पर है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, आएगा जरूर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब आगे निकलेंगे, टाइम लगता है, आपकी पहले की प्रैक्टिस कैसी है, सारी बातों का इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए टेंशन ना लें, छोटी छोटी बातों का सीखते रहें। कुछ बच्चे पहले वीक होते हैं, कुछ बच्चे बाद में जाके मेहनत करते करते वो बहुत अच्छा करने लग जाते हैं, मैंने बहुत एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हैं, ट्राई करो देखो बनेगा, मेरे हिसाब से आंसर भी आना चाहिए इस बार dy by dx का 1 पे, तो ln y 4 upon pi x ln 10 pi x by 4। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अब बंदा कोई गलती कर दे या बंदी कोई गलती कर दे या कोई गल गलती कर दे तो बात ही अलग है, है क्या नहीं। ओके एलन वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, वाई का होता है वाई डैश, 4 अपॉन पाई एज इट इज, कॉन्स्टेंट है बाहर रहने दो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये स्टेप सही होना ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आ गया, फिर 1 अपॉन एक्स ये एज इट इज, 4 अपॉन पाई को बाहर रहने देते हैं, फिर लॉग का करेंगे, लॉग का होगा 1 अपॉन 10 10 पाई एक्स बाई 4, 10 का होता है सिकेंट स्क्वायर, चेक करो सबका सही आना चाहिए, और पाई एक्स बाई 4 का करेंगे पाई बाई 4, लॉग का 1 बाई एक्स यानी 1 बाई 10, 10 का सिकेंट स्क्वायर ये रहा। अब x की जगह में क्या वैल्यू पुट करना है, देखो 1,
वन रखने के बाद क्या आया, ध्यान से देखो, वन रखने पर 10 पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वन, और वन की कोई भी पावर कर दो वैल्यू आएगी वन, यानी एक्स इक्वल टू वन पे वाई का वैल्यू कितना है वन। तो इसको मैं वन लिख देता हूं तो वाई डैश मिल जाएगा, ये आ गया 4 अपॉन कितना पाई, मैच कराओ सब लोग। वन रखने पर देखो 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 होता है 1, लॉग 1 कितना 0, तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0, प्लस ये 1 अपॉन 1 1, लिखने की जरूरत नहीं, 10 पाई बाई 4 1, पाई बाई 4 एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू होता है रूट 2 का स्क्वायर, यानी कितना 2, 4 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4 इंटू 2, आंसर कितना है 2, चेक, आंसर 1 नहीं, आंसर आ रहा है 2, सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 2 का स्क्वायर, कोस पाई बाई 4 का उल्टा, रिवर्स, चेक चेक, कहां मिस्टेक हो रही है सब लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन टफ नहीं था, लॉग लिया पावर पीछे, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एन से माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, लॉग का ये रहा वन रख दिया, मैच करो कहां प्रॉब्लम है चेक करो, बहुत इजी है, 2 आना चाहिए था मेरे हिसाब से, पूरी कॉन्सल्टेशन करो, बीच बीच में कई गर्ल्स क्या करती है, मम्मी बीच में परांठे ले आई, परांठे खा रही है, चाय पी रही है, तो बीच में क्वेश्चन कैसे होगा, पूरा ध्यान तो उसमें होना चाहिए उनका। अब परांठे खाते हुए, आलू के परांठे और पकोड़े खाते हुए प्याज के कैसे आप काम करोगे बताओ, तब उनका क्वेश्चन 2 का 1 हो जा रहा है, एक तो प्याज के साथ चला जा रहा है पेट में, है कि नहीं, और बाकी आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है ठीक है, इसका मतलब पकोड़े नहीं खा रहे हो, गुड गुड, आंसर बना रहे हो, पूरा ध्यान है क्लास में, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना इजी था, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का पावर रूट एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डैश वन, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है काम किया करो, एक सेपरेट टाइमिंग में थोड़ा सा वीडियो जहां जहां दिक्कत है रिवाइंड करके देख लिया करो, ये बहुत अच्छी चीज है कि वीडियोस आपके सारे सेव मिलेंगे साल भर, ठीक है ना, ओके। बहुत ही कॉमन, देखो ये सर्वगुण संपन्न है, कैसे, प्रोडक्ट में भी है और पावर भी देखो वेरिएबल है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा लॉग, मजबूरी है, क्या लेना पड़ेगा लॉग, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो, मैथ्स कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते देखो सारे रूल पकड़ में आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाएगा सबका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप एक्स्ट्रा ये जान सकते हो कि रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, हाफ मतलब रूट एक्स बाई 2, पावर हाफ हो जाएगी ई की पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ले लेंगे, बहुत ही इजीली होने वाला है, कंफर्टेबल होने वाला है, लॉग ले लेंगे, दिस इसका लॉग प्लस इसका लॉग, सबको पता है प्रोडक्ट में आएगा तो प्लस में आ जाएगा,
इसका लोग लेंगे पावर पीछे, सबको बताया हुआ है ln x, इसका लोग लेंगे तो x square पीछे, और सबको ध्यान देना है ln e का जो वैल्यू है, e बेस पर जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो x square पीछे ln e कितना 1। नाउ डिफरेंशिएट ऑल दिस, ln y का 1 अपॉन y, y का क्या होगा y डैश, रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 और 2 मिलके मल्टीप्लाई में 4, ln x का आएगा 1 अपॉन x, ये आ गया, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, चेक करो, गुड, लेट नहीं आना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी है, आप जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं वो जानते हैं कि एक एक लेक्चर में कितना, एक घंटे में उतना सिखा दे रहा हूं जितना नॉर्मली वो एक दिन में नहीं स्टडी करते हैं। x की जगह अगर 1 रख देते हैं तो log 1 कितना 0, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लें, y में 1 की कोई भी पावर करेंगे 1 और y का वैल्यू आ रहा है e, तो y डैश अपॉन कितना e, y डैश अपॉन e, 1 की कोई भी पावर 1, e की पावर 1 e, यहां पर देखो ये log 1 क्या हो गया 0, तो पहला टर्म 0, रूट एक्स बाई 2 ये है 1 बाई 2, ये बाद वाला 1 रखने पर 2, y डैश आ रहा है 2 प्लस 1 बाई 2, आंसर है 5 बाई 2 e, देखें कितने लोगों का सही आया, सही आया तो यस सर लिख दें, करेक्ट आंसर, यस सर यस सर यस सर आना चाहिए, चेक करो, चेक दिस, 1 रखेंगे log 1 0, 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1, 1 बाई 2 ये प्लस 2 मिलके 1, 5 बाई 2 मल्टीप्लाई किया e, 5 बाई 2 e, कितने लोग आया यस सर लिखें, देखें कितने लोग परफेक्टली अभी कर पा रहे हैं, मुझे लगना चाहिए कि कर रहे हैं, कठिन क्वेश्चन आप एक भी नहीं है, प्योर कॉम्पिटिटिव, एकदम प्योर अकॉर्डिंग टू ऑल एग्जाम्स, सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड भी इंक्लूड है, कॉम्पिटिशन भी इंक्लूड है, एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है, यहां पर लॉग लेंगे इसका लॉग प्लस इसका लॉग, इसका लॉग लेंगे पावर पीछे ln x, इसका लॉग लेंगे तो ln e 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x स्क्वायर log y का 1 बाई y का y डैश, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ln x का यहां 1 बाई x, जब इसका करेंगे तो ये एज इट इज और इसका करेंगे तो ये एज इट इज, x स्क्वायर का कितना 2x, 1 रख दो वैल्यू आ गई, log 1 0 1 by 2 or 2, नो प्रॉब्लम, गलत भी आया कम से कम आपने ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, फिर आसान क्वेश्चन, y is equal to 1 upon x का पावर कितना x, y डबल डैश 1 बताओ, देखिए कितनी समझदारी से आप y का डेरिवेटिव जैसे एक बार करके 1 रख सकते थे वैसे दो बार रख करके भी 1 रख सकते हो, ओके ओके गुड गुड गुड, पावर को रूट एक्स ही बना है, नो प्रॉब्लम, पावर में रूट एक्स ही रहेगा, पर बेस का अगर रूट हटा लेते हैं तो बेहतरीन है, नहीं हटाते डिफरेंशिएशन सबका होगा, याद रखो डिफरेंशिएशन आपका भी किया जा सकता है, ट्राई करो देखो सबका सही बनेगा, y is equal to 1 upon x का पावर x, y डबल डैश 1 फाइंड करना है, log लेना ही पड़ेगा ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें कितने कंफर्टेबली बना पाते हैं, सब बना पा रहे हो बहुत ही अच्छा,
एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। हिंट क्या है, ध्यान से देखो। जो लोगों को कोई प्रॉब्लम आ भी रही है हल्की फुल्की, वो घबराए नहीं, वो क्या करें, थोड़ा सा वीडियो इस क्लास के बाद बीच में गैप होता है, रिवाइज करना। वन अपॉन एक्स की पावर एक्स है, तो वन अपॉन एक्स की पावर एक्स में इसको एक्स की पावर माइनस एक्स लिख लें, ये तो सबने किया ही होगा। अब लॉग लेंगे, इसके बगैर भी लॉग लिया जा सकता है, माइनस एक्स लॉग एक्स। अब देखो एक स्टेप जो आपको ध्यान देना चाहिए, आंसर की चिंता नहीं है, y डैश अपॉन y की अगर मैं बातचीत करूं तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस एल एन एक्स, माइनस को बाहर रहने देते हैं, x का 1 और एल एन एक्स का 1 बाई एक्स लिखेंगे 1, क्योंकि x और x कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, दो बार डेरिवेटिव करना है, दो बार करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पे y को y ही रहने दो, क्योंकि हमें 1 रख के वैल्यू चाहिए, तो 1 रख के वैल्यू y की भी मिल जाएगी और y डैश की भी मिल जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो। अब देखो बनेगा सबसे और आसानी से बनेगा, अब इसका u इंटू v से करेंगे, एकदम कूल टाइप जैसे आपको आता है। इसका तो सबने 5 बार कर चुके हो, कई बार आया है, x का 1 ln x और एल एन एक्स का 1/x करेंगे, एक्स एक्स कट गया 1 आ गया, वाई से मल्टीप्लाई करो, यू इंटू वी से करेंगे और 1 रख देंगे, देखो दौड़ के आंसर आ रहा है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिनसे नहीं हो पा रहा उनके लिए मैं फिर क्वेश्चंस बता देता हूं, बहुत आसान है ये तो। y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, आराम से सीखो, बहुत ही आराम से। y का होता है y डैश इंटू 1 प्लस एल एन एक्स एज इट इज, माइनस माइनस क्या, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ इसलिए माइनस लिख रहा हूं, y एज इट इज 1 का 0 एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं 1, क्योंकि देखो मुझे वैल्यू रखनी है 1, क्योंकि आंसर एक को छोड़ के सबका लगभग गलत आया है इसलिए बता रहा हूं। एल एन 1 कितना होता है, 0, तो आंसर आ गया वाई डैश और 1 रखेंगे वाई। कईयों को लगा ये कैसा आंसर है, नहीं अभी पूरी नहीं हुई है बात, लॉग 1 0 1 आया, ये वैल्यू 1 वाई। अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 रख के y भी चाहिए और y डैश। तो यहां पर देखो अगर मैं इस रिलेशन में x की जगह 1 रखता हूं तो 1 की पावर 1, y की वैल्यू कितनी 1, y की जगह 1 ही मैं यहां रखता हूं और log 1 कितना 0, 1 इंटू 1 कितना 1, तो ये y डैश की जो वैल्यू है ये आ रही है -1। यहां मैं पुट करूंगा -1, तो ये 1, ये है 1, वैल्यू कितनी 0, आंसर है 0 0, चेक करो 0। एक्स की जगह अगर आप 1 रखते हो तो आप, कई बच्चों ने क्या किया मैं बता रहा हूं, उन्होंने -1 किसका आंसर बताया है, वाई डैश का बताया है, आपसे पूछा है वाई डबल डैश, इसीलिए इसको एक बार और करना पड़ेगा। ओके चेक करो चेक करो, 1 रखा तो 1 की 1 अपॉन 1 1, 1 की कोई भी पावर 1, 1 यहां रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, log 1 0, 1 इंटू 1 1, y डैश माइनस 1, तो यहां -1 रखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 0, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर है 0। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ही कॉमन डायलॉग है ठीक है, इसलिए ध्यान दो, ये रोड पे नहीं क्लास में भी लगता है। ओके लॉग लेंगे, अब यहां पर देखो लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया, यू इंटू वी, वाई का वाई डैश, 1 प्लस एल एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स की जगह मैं पुट करना है 1, लॉग 1 0, तो वाई डैश, ये वाई वैल्यू रख दी मेरे भाई। देखते हैं फिर एक क्वेश्चन, मोड आप पढ़ चुके हो तो मेरे को लगा कि क्वेश्चन में आपका मोड का भी पूछ लूं। मोड एक्स की पावर मोड साइन एक्स,
चल रहा है क्लास सही ना, 5 मिनट में। एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स की पावर मॉड साइन एक्स, क्वेश्चन में दम नहीं है, आपसे पूछा गया है एफ डैश माइनस पाई बाई फोर क्या वैल्यू होगा। यस 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 गुड। बस सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले मोड वगैरह अगर आपके आ रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली चीज मोड आ रहे हैं टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है मोड हटाना है। और आपको भी पता है डिफरेंशिएट कब होगा, जब मोड हटेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्स तक पहुंचना है अंदर वाले पर तो मोड हटाएंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में जाना है तो दरवाजा पहले खोलेंगे फिर अंदर जाएंगे, बजाय कि पहले अंदर चले गए फिर दरवाजा खोले, यानी भूत है, आप में भूत चला गया है। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि माइनस पाई बाई फोर पर बात करें तो माइनस पाई बाई फोर पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, मोड हटेगा माइनस लगेगा। माइनस पाई बाई फोर पर साइन नेगेटिव होता है, माइनस वन बाई रूट टू, यानी यहां क्या लगेगा, ओहो माइनस एक्स, पहले वैल्यू थोड़ी रख देंगे, पावर में क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब लॉग लो देखे कितने लोग, क्वेश्चन में कठिनाई नहीं है आप भी जानते हो, क्वेश्चन में कठिनाई क्या है गलती देखे कितने लोग करते हैं, देखे कितने लोग गलती करते हैं, मजा तब आएगा कोई गलती नहीं करेगा। लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू रखनी है, तो क्वेश्चन में तो जीरो मुसीबत है। देखे कितने लोग है, ओके नो प्रॉब्लम। लॉग लेना है डिफरेंशिएट करना है, लॉग लेना है डिफरेंशिएट करना है, लॉग लेना है डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन सबसे बनने वाला है। ln fx ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया, देखे कौन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी गुड है जो एक भी साइन की गलती नहीं करेगा। मतलब क्यों, क्योंकि इसमें जो भी गलती होने वाली है वो साइन की होने वाली है। ओके कुछ लोग लेट सो के उठे हैं और पराठे भी खा लिए, चाय भी पी ली, फिर आए हैं वो। ओके ln fx का 1 अपॉन fx, fx का क्या आ गया एफ डैश एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ln माइनस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज, और 1 अपॉन ln माइनस एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन माइनस एक्स ln एक्स का होगा, ln माइनस एक्स का 1 अपॉन माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब माइनस पाई बाई 4 रख के वैल्यू ढूंढो, देखें कितने लोग सही कर रहे हैं। एफ डैश माइनस पाई बाई 4 ऊपर लिखा था दोबारा लिख दिया कोई बात नहीं, इजकल टू एफ पाई बाई 4, एफ माइनस पाई बाई 4 तो माइनस पाई बाई 4 का मोड पाई बाई 4 पावर में 1 अपॉन रूट 2। कुछ लोग क्लास में कभी सिंसियर नहीं होते, इन्हीं सब के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखो एग्जाम लिए जाते हैं, तो क्लास में सिंसियरिटी शो करें तभी मजा आएगा। माइनस पाई बाई 4 यहां रखने में कोई दिक्कत नहीं, कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया माइनस साइन के साथ, ऑलरेडी माइनस लगा है ln पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 पर ये माइनस 1 बाई रूट 2 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी माइनस तो लगा ही था, 1 अपॉन रूट 2 पाई बाई कितना 4, ये है आंसर। कितने लोगों का सही आया, कितने लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, तो लिख देंगे यस सर।
चेक करो, देखो क्वेश्चन में क्या था, साइन का कोस, एल एन माइनस एक्स का 1/x, और फिर कितना वैल्यू रखना है हमें, माइनस पाई बाई फोर पर एफ का वैल्यू पाई बाई फोर की पावर 1/√2, और यहां वैल्यू रखो। कितने लोगों ने सही किया और कितने लोगों ने माइनस प्लस की मिस्टेक की, जिन्होंने मिस्टेक की वो लिखे मिस्टेक कर दी साइन की, और जिन्होंने सही किया वो सही। यस यस, मैंने कहा था बीच में परांठे मत खाना, आलू के परांठे मत खाना। काफी गर्ल्स ने किया है, मिस्टेक भी हो गई, तो याद रखो मिस्टेक भी एक्सेप्ट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई 100% परफेक्ट है, गलती हम भी कर सकते हैं। ओके, गुड गुड गुड, हा। चलो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x का पावर 4, डेरिवेटिव करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक होता है, ह्यूमन ही मिस्टेक करता है, पर समझदार वो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको सुधार ले। एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कम भी अगर किसी से बन रहा है वो घबराए नहीं, सबसे सही होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। डीपीपी नंबर 3 सबको बनाना है, लॉगरिथम मेथड के क्वेश्चन है, मेथड ऑफ लॉग के क्वेश्चन डीपीपी में बनाने हैं। दो दो डीपीपी मैंने आपको दिए हैं, एक ऐसा डीपीपी है जो बोर्ड टाइप प्लस बेसिक, दूसरा डीपीपी दिया प्योर कॉम्पिटिटिव, तो आपको जो लगे वो बनाओ। मेरे हिसाब से इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव वाला बनाए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो पावर ऐसी नजर आ रही है, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वाई इक्वल टू x पावर 4, तो दिमाग में आएगा ये इतनी बड़ी पावर, अब क्या करें, कुछ नहीं, चिंता ना करें, लॉग लें। लॉग क्या कर रहा है, केवल सिंप्लीफाई, पावर को पीछे टपका दो, x पावर 4 ln x, ये आ गया। आपको एक और बात बता दूं, मैं सही बताऊं, यही सब पढ़ने के लिए जाके लोग 2-4 लाख रुपए खर्च करके कोटा दिल्ली कानपुर जाते हैं और वहां झक मार रहे होते हैं, आधे लोग भीड़ में पीछे जाके ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है इसमें, बस आ गया। अब देखो लॉग क्या कहता है, लॉग का काम है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, याद रखो लॉग ये नहीं कहता कि डिफरेंशिएट लॉग से होगा, ये तो सबको पता है। तो देखो पावर को पीछे ले आए लॉग एक्स, या तो इसका सेपरेटली लॉग लेके डिफरेंशिएट करें या रख दें, नहीं तो ये कहता है लॉग एक से ज्यादा बार भी ले सकते हैं, मतलब एक बार लॉग ले लिया दोबारा भी लॉग ले सकते हो, कैसे, लॉग लॉग वाई, दिसका लॉग प्लस दिसका लॉग, इसका लॉग लेंगे पावर पीछे ln x प्लस ln x, क्या हुआ, इसका लॉग लेंगे तो प्लस ln ऑफ ln x प्लस इसका लॉग लेंगे तो पावर पीछे। ओके, कहता है कि पावर अगर बढ़ जाए तो लॉग की चिंता ना करें, लॉग एक से ज्यादा बार भी ले सकते हैं, जब, अब देखो जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए, तो इसका लॉग लिया पावर पीछे ln x, फिर इसका लॉग प्लस इसका लॉग। अब ये देखो सारे के सारे सिंपल प्रॉब्लम है जिसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यही कह चुका हूं कि डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा तो फिर आप चिंता क्यों करते हो। अब डेरिवेटिव कर लेंगे, लॉग लॉग वाई की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है, अब सबको पता है एलन का होगा 1/ln y, इस एलन वाई का होगा 1/y, y का होगा y डैश,
बाहर वाले लॉग का 1 बाई लॉग वाई, लॉग वाई का 1 बाई वाई, वाई का वाई डैश, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल 4x क्यूब ln x एज इट इज, x पावर 4 का 4x क्यूब ln x एज इट इज प्लस x पावर 4 इंटू 1 अपॉन x, ln x का 1 बाई x, इसका होगा क्या 1 अपॉन ln x और ln x का होगा 1 बाई x। y और log y की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और y को ये पुट करेंगे, log y को ये, चेक क्या ये सबका आ गया। log का होगा 1 बाई log y, log y का 1 बाई y, y का y डैश, x पावर 4 का 4x क्यूब ln x एज इट इज, फिर x पावर 4 एज इट इज ln x का 1 बाई x, ln ln x का होगा भाई बाहर वाले log का 1 बाई ln x, फिर अंदर वाले log का 1 बाई x। इजी प्रॉब्लम, क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। DPP नंबर 3 आप ट्राई करें, तब तक के लिए थैंक यू।